महाराष्ट्र एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के पुणे से ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। 19 वर्षीय विवाहित के साथ गैंग रेप किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। गैंग रेप और हत्या का आरोप पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 19 वर्षीय विवाहित के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और आरोप लगा है पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर। वारदात में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को बाकी आरोपियों की तलाश है। महाराष्ट्र में लगातार रेप के मामले, गैंग रेप के मामले, महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार महिलाओं की सुरक्षा महाराष्ट्र में कटघरे में खड़े हो रहे हैं। कल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसको लेकर पत्र भी लिखा था। 2 दिन का सत्र बुलाने की भी मांग की थी। हालांकि सत्र नहीं बुलाया जाएगा। और जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखते हुए 5 दिन का अधिवेशन केंद्र द्वारा बुलाने की मांग की है। अब देखना यह है कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाएगी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि दिन पर दिन ऐसे मामले सामने आना महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करती है। एक 19 वर्षीय विवाहित लड़की के साथ गैंगरेप, आरोप पति के रिश्तेदारों और दोस्तों पर, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश।